नमस्कार दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 2 जनवरी 2020, और 2 जनवरी 2020 से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको सारे दिन का PDF भी मिल जाएगा और सारे वीडियो का आप लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 क्वेश्चन रखा है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के दूसरे तिमाही का परिणाम जारी किया गया है, तो इसके अनुसार बिहार में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के दूसरे तिमाही के परिणाम के अनुसार बिहार का सुपौल जिला, ठीक है, बिहार में सबसे स्वच्छ माना गया है, ठीक है, और ये बिहार में प्रथम स्थान पे आया है। तो बी ऑप्शन सही हो गया, सुपौल जिला। सुपौल जिला ने 190.21 अंक प्राप्त कर बिहार में सबसे स्वच्छ जिला बना है, और पटना को देश में 273वां स्थान मिला है, और मुजफ्फरपुर को देश में 179वां स्थान मिला है, ठीक है, और देश में इंदौर प्रथम स्थान पर है, यानी देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर हो गया है। और इंदौर दोस्तों लगातार चौथी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर माना गया है, और दूसरे स्थान पे राजकोट है, और तीसरे स्थान पे है नवी मुंबई। और दोस्तों बिहार में आया है सबसे स्वच्छ जिला, आया है सुपौल जिला बना है। तो चलिए सुपौल जिला के बारे में जानते हैं, लेकिन इससे पहले चलिए देखते हैं बिहार के मैप में सुपौल जिला का लोकेशन। तो दोस्तों देखिए ये है बिहार का मैप, और ये रहा सुपौल जिला। सुपौल जिला का सीमा और किस किस जिला से सटा हुआ है, तो देखिए मधुबनी है, सहरसा है, मधेपुरा है, और अररिया है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात किया जाए तो सुपौल दोस्तों नेपाल से भी सटा हुआ है, तो ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये सारा नेपाल का क्षेत्र है, तो सुपौल जिला का सीमा नेपाल से भी सटा हुआ है। अब नाम है सुपौल जिला का, तो चलिए इसके बारे में भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं। तो दोस्तों सुपौल जिला का स्थापना हुआ है 14 मार्च 1991 को। प्रमुख फसल है सुपौल का केला, गेहूं, धान, मक्का, मूंग और पटसन। और सुपौल जिला का प्रमुख नदी कोसी नदी है। सुपौल प्राचीन काल में मिथिला राज्य का हिस्सा था, और बाद में मगध तथा मुगल सम्राटों ने भी यहाँ राज किया है। और कोसी नदी बिहार में सुपौल से ही प्रवेश करती है, जिसकी लंबाई बिहार में 260 किलोमीटर है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाढ़ से हानि कोसी नदी से ही होती है। और सुपौल जिला के ही हैं दोस्तों उदित नारायण, जो कि बॉलीवुड के सिंगर हैं, ये सुपौल जिला के 82 ग्राम के हैं उदित नारायण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस छात्र ने नेत्रहीनों के लिए एक डिवाइस तैयार किया है, जिसके द्वारा नेत्रहीन लोग पढ़ भी सकेंगे तथा यह डिवाइस उन्हें राह भी दिखाएगा। तो दोस्तों उनका नाम है चिंतन वत्स, ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो गया। चिंतन वत्स को इस प्रोजेक्ट के लिए IIT इक्वेशन सेंटर पटना से मंजूरी मिल गई है, और इनकी इस सफलता से प्रभावित होकर जापान की CVS टेक्नो कंपनी लिमिटेड ने इनका चयन किया है। और चिंतन वत्स बिहार के भागलपुर जिला के निवासी हैं तथा वो IIT खड़गपुर के छात्र हैं। तो दोस्तों ये IIT खड़गपुर कहाँ पे है, तो IIT खड़गपुर है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। तो चलिए पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं कुछ, लेकिन इससे पहले देखते हैं पहले भारत के मैप में पश्चिम बंगाल का लोकेशन। तो दोस्तों ये आ गया भारत का मैप, और ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य का सीमा और किस किस राज्य से सटा हुआ है, तो देखिए ऊपर में सिक्किम है, उसके बाद असम है, बिहार है, झारखंड है, और उड़ीसा है, ठीक है। अब नाम आया है पश्चिम बंगाल का, तो चलिए इसके बारे में अब बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, राज्यपाल है जगदीश धनकर। और पश्चिम बंगाल का चितरंजन जो है रेल इंजन कारखाना के लिए प्रसिद्ध है, रानीगंज कोयला के लिए प्रसिद्ध है, और भारत का पहला IIT है IIT खड़गपुर। और दोस्तों चिंतन वत्स जो है ये IIT खड़गपुर के ही छात्र हैं, और बैरकपुर से मंगल पांडे ने विद्रोह किया था, और दार्जिलिंग चाय के लिए प्रसिद्ध है। और शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1901 में की गई थी, और मालदा आम के लिए प्रसिद्ध तथा रेलवे डिवीजन भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक साल किस दिन राज्य में पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा।
तो प्रत्येक साल दोस्तों 28 दिसंबर के दिन, ठीक है, 28 दिसंबर के दिन पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा, इसकी घोषणा हाल ही में नीतीश कुमार जी ने किया है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो गया, 28 दिसंबर। चलिए अब जानते हैं अरुण जेटली के बारे में। तो अरुण जेटली का 24 अगस्त 2019 को दोपहर 12:07 निधन हो गया। और जेटली 1991 से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे। उन्हें 13 अक्टूबर 1999 को सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नियुक्त किया गया था। और 26 मई 2014 को जेटली को नव निर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वित्त मंत्री के रूप में चुना गया, जिसमें उनके मंत्रिमंडल में कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय भी शामिल था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पटना के निगम क्षेत्र में कब से डीजल व पेट्रोल ऑटो पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा? तो पटना के नगर निगम क्षेत्र में 2021 से दोस्तों डीजल व पेट्रोल ऑटो पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। राज्य सरकार बिहार स्वच्छ ईंधन योजना के तहत डीजल ऑटो को ₹40,000 तथा पेट्रोल ऑटो को ₹20,000 अनुदान भी देगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का पहला स्थापना दिवस मनाया गया है। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। 1 जनवरी 2019 को दो ग्रामीण बैंक का विलय करके दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का स्थापना किया गया था। तो दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2019, और ये 1 जनवरी 2020 को इसका पहला स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी जी के द्वारा भारतीय समाज की हकीकत नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारतीय समाज की हकीकत नामक पुस्तक के लेखक है दोस्तों सूर्य नारायण सूरज। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी जी के द्वारा किया गया है, तो सी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की रिपोर्ट जारी की गई है। तो इसके अनुसार बिहार में 18 से 23 साल तक की 100,000 आबादी पर कितने कॉलेज हैं? बिहार में दोस्तों 18 से 23 साल तक के लोगों के 100,000 आबादी पर 7 कॉलेज हैं, ठीक है। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और देश में प्रथम स्थान कर्नाटक का आया है, जहाँ पर प्रति 100,000 आबादी पर 53 कॉलेज है। दूसरे स्थान पे तेलंगाना है और तीसरे स्थान पे है दोस्तों आंध्र प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, 16 जनवरी को आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री का कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा में शामिल होने के लिए बिहार के कितने छात्रों का चयन किया गया है? तो प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम है परीक्षा पे चर्चा, इसमें शामिल होने के लिए बिहार के 70 विद्यार्थियों का चयन किया गया है, जो सरकारी और निजी दोनों स्कूल से लिया गया है इन 70 विद्यार्थियों को, तो बी ऑप्शन सही हो गया। और 16 जनवरी 2020 को दिल्ली में आयोजित होगा परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम, और इसमें जितने भी छात्र चयन हुए हैं वे सभी नरेंद्र मोदी से सीधे परीक्षा से जुड़े कोई भी सवाल पूछ सकेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का करेंट अफेयर्स, चलते हैं कल के रिविजन के तरफ। तो कल के रिविजन का पहला क्वेश्चन था, भारत का पहला म्यूजियम बिनाले का आयोजन बिहार संग्रहालय में कब किया जाएगा? तो 22 मार्च 2020 को किया जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। कल का दूसरा क्वेश्चन था, बिहार के किस व्यक्ति को कृष्ण मेरिट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह को सम्मानित किया गया है। किस अवार्ड से? तो कृष्ण मेरिट अवार्ड 2019 से, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है दोस्तों, आज का रिवीजन का क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति को महात्मा गांधी साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? और आज का दूसरा क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इस दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप ऑडियो सुनना चाहते हैं तो हमारे खबरी ऐप पर सुन सकते हैं। खबरी ऐप पर प्रतिदिन इस वीडियो का ऑडियो अपलोड किया जाता है, जिसे सुनकर आप रिवीजन भी कर सकते हैं। खबरी ऐप का
लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।